हाय बच्चों, कई बच्चों का कहना था कि सर आईपी का फॉर्म आ चुका है, इसके बारे में कुछ वीडियो अपलोड करें। मैंने सोचा क्यों नहीं, बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व होनी ही चाहिए। पहले मैं आईपी के बारे में बता दूं कि बच्चों, नंबर 1, आईपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इंद्रप्रस्थ है। जैसे डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आईपी स्टेट यूनिवर्सिटी। आप देखिए प्रोस्पेक्टस में यहां लिखा होता है स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो पहली बात क्लियर कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। नंबर 2, दूसरी बात बच्चे, कि जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इस अच्छी यूनिवर्सिटी है और नैक इसे A++ ग्रेड देता है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है यहां से। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये कितनी कोर्सेस कंडक्ट करवाती है। देखो बच्चों, अगर आईपी की बात करूं तो भले दुनिया जितना भी कह ले कि यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती है, करती है, जरूर करती है। बच्चों की बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता ना, ठीक इसी तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटी नीड है। ठीक है, हम ओपन लर्निंग की भी बात करते हैं, एजुकेशन बैरियर फ्री की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कि जो भी कोर्सेज है ना, अमूमन आप मान लीजिए कि 3 कैटेगरी में कराती है, अपने यहां एडमिशन लेती है। पहला तो वो कोर्सेज जिनको ऑल इंडिया एग्जाम के बेस पे इंद्रप्रस्थ अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होता। ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उनके बेस पे अपने यहां एडमिशन लेती है। कुछ मखसूस कोर्स है जैसे एमबीबीएस, एमबीबीएस के लिए इंद्रप्रस्थ अपनी तरफ से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करती। आप नीट का एग्जाम दे और नीट के एग्जाम के थ्रू ही वहीं की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग है, बीटेक वगैरह है, वो जेई मेंस के बेस पे, एडवांस मेंस के बेस पे ये एडमिशन देते हैं, उसका भी ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू ही होता है। तो एक कोर्सेस की कैटेगरी तो ये हो गई, इसमें एमबीबीएस आ गए, बीटेक आ गए, बीआर आ गए। दूसरी कोर्स वो होती है जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीईटी कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर सीयूईटी के बेस पे देती है। याद रहे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस में क्लियर मेंशन है, अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे, कि जो एडमिशन सीयूईटी या सीईटी के बेस पे होना है, पहले हम प्रिफरेंस सीईटी के बच्चों को देंगे जो ये अपना एग्जाम लेंगे, उससे सीट बचेगा तो फिर हम सीयूईटी वाले बच्चों को देंगे। क्लियर? तो इस तरह के कोर्सेज में कौन कौन आ जाते हैं, इस तरह कोर्सेज में भी बहुत सारी कोर्सेज है, बीएससी वगैरह आ जाती है, और उसके अलावा बेटर बीकॉम आ जाते हैं, बीकॉम में कॉमर्स की कोर्सेज आ जाती हैं, इसके अलावा पैरामेडिकल्स की कोर्सेज आ जाती हैं, जैसे बीपीटी हो गया, बीओटी हो गया, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके बाद बीएमएलटी हो गया, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायो में ये सारी कोर्सेज सीईटी या फिर सीयूईटी के थ्रू करती है। इवन नर्सिंग का कोर्स भी नीट के बेस पे भी लेती है और सीईटी के बेस पे भी फिल करती है सीट को। लेकिन अगर सीयूईटी और सीईटी में जो ये अपना एग्जाम लेती है आईपी, सीईटी से सीट बचेगा तो सीयूईटी को कंसिडर किया जाएगा, क्लियर लिखा है प्रोस्पेक्टस में। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो कोर्सेज होती हैं, कॉमर्स से हो, खा वो आर्ट्स से हो, या साइंस से हो, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि मेडिकल पैरामेडिकल की जितनी भी कोर्सेज हैं, सब सीईटी और सीयूईटी से लेते हैं इन दो एग्जाम के थ्रू। तीसरा जो कोर्स होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जैसे आप यूं समझ ले कि डिप्लोम सर्टिफिकेट बायोडाइवर्सिटी का है, लैंग्वेज के हैं, ये मेरिट बेस पे लेते हैं, आपके 12 में जो भी मार्क्स आए उसके मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाती है। तो बच्चों आईपी में इन 3 तरीकों से एडमिशन होता है। अब किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो डिसाइड करना है। अच्छा एक और बात, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल करना ही है। मान लीजिए आपने नीट क्वालिफाई किया तो काउंसलिंग के लिए आपने फॉर्म फिल किया होगा तो ये आपको अलग से बुलाएंगे, ठीक है? तो सीईटी का भी फॉर्म फिल करना होगा, यहां पे इसको पुट करना होगा, और ये फॉर्म भरना ही है सीईटी के एग्जाम देने के लिए भी। आइए एक एक करके
और एलिजिबिलिटी पे ध्यान देते हैं कि किसके लिए क्या डिमांड करता है और यहां पे देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी से शुरू हो गई है, 31 मार्च तक चलेगी। अच्छा, उसके लिए 31 मार्च है जहां पे एडमिशन सीईटी से होना है, जहां भी सीईटी से एडमिशन है उसके लिए आप फॉर्म भर दीजिए 31 मार्च से पहले। ओके, जहां पे नेशनल लेवल टेस्ट होना है उसका डेट 30 अप्रैल तक है। तो बच्चे आप एक बात याद रखें कि जो पैरामेडिकल की कोर्सेज है ना, जैसे बीपीटी हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, या बाकी ये बीएससी नर्सिंग नहीं, बीपीटी, बीओटी या फिर बीएमएलटी, ये सारी कोर्सेज हैं, या कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज है, वो सारी कोर्सेज 31 मार्च तक ही है। तो आप इनको भर ले प्लीज उसके बाद, और जो नीट वगैरह है वो आप आगे भी देर भर सकते हैं 30 अप्रैल तक, अब आगे आ जाए। उसके बाद ऐसे ही आपके एलएलबी के लिए है, अप्रैल तक है। अच्छा, जो सीईटी एग्जाम इंद्रप्रस्थ कंडक्ट करेगी, मतलब अपना जो एग्जाम लेती है, वो एग्जाम का डेट फिक्स है भाई, 27 अप्रैल से 14 मई के बीच में ले लेगी वो अपना एग्जाम, जिस कोर्स के लिए सीईटी ली जाएगी। देखिए कई सारे कोर्स हैं जिनके लिए सीईटी खुद एग्जाम लेगी और उससे सीट बचेगा तब वो सीयूईटी के कैंडिडेट को कंसीडर करेगी, सिंपल सी बात है। तो पहले सीयूईटी की वो तब कंसीडर करेगी जब सीईटी से बचेगा। तो जिस कोर्सेज में नीचे प्रोस्पेक्टस में दोनों एलिजिबिलिटी लिखा हो, सीयूईटी भी लिखा हो और सीईटी भी लिखा हो, तो आपको वो फॉर्म भर देना है, पहले ही भर देना है। और याद रखना है कि 27 से 14 मई तक एग्जाम होने हैं और 31 मार्च से पहले ही भर देना है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद बच्चे आप इस चीज को देख लेते हैं कि कोर्सेज के बारे में, ये इनके बारे में है सब कुछ लिखा हुआ जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप जब पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। ये आपके सीईटी के कोर्स है जो लिखे हुए हैं, देखिए जहां पे सीईटी के लिए आप एग्जाम, ये सीईटी कोड है, ये नेशनल लेवल टेस्ट नेटा भी है, इधर नेशनल लेवल टेस्ट नीट यूजी है, और उनके कोड्स भी है, ये वहां पे कोड्स भी आपको भरने होंगे। ये सीईटी के कोड्स है सब, ये सारे कोड्स भरे, ये एग्जाम यहां लिखा हुआ है। देखिए कुछ में तो जैसे ये योगा है, यहाँ सीईटी सीयूईटी से ही होना है। देखिए अब एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं, हालांकि नीचे सब डिटेल में आएगा। बी आर सीईटी कोड 100 है, नेशनल लेवल टेस्ट है, जैसे ये देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये नेशनल लेवल नहीं, सीईटी से होना है, सीयूईटी से होना है। तो सीईटी में से सीट बचेगी ना, तब सीयूईटी के बंदों को लिया जाएगा, बच्चों को लिया जाएगा। तो इस तरह आप ये ख्याल रखेंगे। और ये देखिए सारी कोर्स है, होटल मैनेजमेंट है, सीईटी या सीयूईटी से लेने जाने, जर्नलिज्म है, आर्ट्स वालों, कॉमर्स वालों, साइंस वालों के लिए जर्नलिज्म का कोर्स भी सीईटी या सीयूईटी से लेने जाने, अलाइड प्रोग्राम है, ये भी सीईटी सीयूईटी से। देखो ये सारे पैरामेडिकल्स है, बीपीटी, बीपीओ, बीएसएलपी, बीएससी, एमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब सीईटी सीयूईटी से लेने, नीट का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अक्सर यूनिवर्सिटियां पैरामेडिक्स की कोर्स भी ना नीट से लेती हैं, पर ये आईटी सीईटी या सीयूईटी से लेना है, और सीईटी से बचेगा तब सीयूईटी से लेना है। तो सीईटी का फॉर्म भरना है, बिल्कुल आप एग्जाम आराम से दे पाएंगे, अच्छी अच्छी कोर्सेज है यहाँ पे। चलिए अब इवन ये जो कोर्सेज है, फिर बाकी आपका देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये भी दो ही जैसे, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स करना चाहते हैं, खासकर कॉमर्स के बच्चे, बच्चों के लिए ये कोर्सेज है, तो सीईटी सीयूईटी से है। तो कॉमर्स वाले भी एकदम 31 मार्च से पहले ही फॉर्म भर दें भाई, सीईटी तो देना, और सीईटी दे वो ऐसे आयुर्वेदा वगैरह है, ये तो नीट के थ्रू होंगे, बीएएमएस है या बीएचएमएस है, ये सब नीट के थ्रू होंगे। फिर ये आ गया बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिक्स है, रेडियोथेरेपी, ये भी नीट से नहीं, सीईटी और सीयूईटी से होता है। तो याद रहे कि कुछ एग्जाम, कुछ मेडिकल के लिए कुछ कोर्स, जैसे एमबीबीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, इनके लिए तो आपको नीट देना है, और या बीटेक के लिए नेशनल लेवल टेस्ट देना है, जेई का जो होता है। लेकिन कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें नीट से मतलब ही नहीं है, बायो के भी कोर्स है नीट से मतलब नहीं है, कॉमर्स वालों की कोर्स है, जर्नलिज्म का कोर्स है, नीट से मतलब नहीं, जर्नलिज्म तो वैसे भी नीट से मतलब नहीं है, लेकिन जो पैरामेडिकल कोर्स है ना उसमें भी नीट से मतलब नहीं, सीईटी होता है। तो याद रहे कि कुछ कोर्सेज में जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स है, ये भी देखिए सीईटी और सीयूईटी से ही होना है, तो इस बात को ख्याल रखें आप। अब यहां ध्यान दीजिए,
उसके बाद ये सारी कोर्स डिटेल में दिया हुआ है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन इवन बीएड भी स्पेशल एजुकेशन में सीईटी और सीयूईटी, यानी पहले सीईटी से को प्रीफर किया जाएगा, सीट बचेगी तो सीयूईटी से। उसके बाद ऐसे ही बीए बीएड है, ये सब भी देख सकते हैं आप, और सीईटी ये सारी जितने भी है, फोर ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ये भी कोर्स कराती है, ये भी सीईटी या सीयूईटी से, ये भी सीईटी या सीयूईटी से। उस वक्त बच्चे ये कुछ कोर्स है, मैंने कहा था कि जो मेरिट बेस पे भी होती है, देखिए कि ये सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंडियन हेरिटेज एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, ये सर्टिफिकेट कोर्स ऑन अर्बन, ये देखिए मेरिट बेस पे है। तो ये कुछ कोर्सेज है जो मेरिट बेस में है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी अप्लाइड इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एनवायरमेंट, ये मेरिट बेस पे है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स मेरिट बेस पे, इवन जो वीकेंड लैंग्वेज की कोर्स है ये भी मेरिट बेस पे है। बाकी आप मोस्टली कोर्स देखिए, फोर ईयर बीए लिबरल आर्ट्स विद मेजर हिस्ट्री, यानी आर्ट्स वाले बच्चे, जो स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सीईटी और सीयूटी है। पहले प्रीफर किसको दिया जाएगा? सीईटी के लिए। भाई ड्यू में सीयूईटी के थ्रू होता है, तो मान लीजिए आपके पास दिल्ली में है तो एक ऑप्शन भी है ना, सीईटी देकर आप इस यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरह बच्चे बैचलर ऑफ डिजाइन में भी सिर्फ सीईटी से होना है। तो इस तरह ये कुछ एग्जाम्स हैं जो आपको सीईटी से होना है और सीयूटी से होता है। बाकी यहाँ पे सारे के डिटेल्स लिखी हुई हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह भी लिखी हुई है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 ईयर का कोर्स है और सीईटी का कोड ये है, ये कोड भी लिखे हुए हैं। बाद में आप आगे चलते चले जाएंगे तो एलिजिबिलिटी भी लिखे हुए हैं। मोस्टली एग्जाम में 50% मांगे हैं, किसी में 60% मांगे हैं, तो 12 में तो आप वहां पे देख सकते हैं। आप देखिए ये सारी एग्जाम्स है जो भी है, बीएससी एमएससी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप साइंस के भी हैं और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आप आराम, यहाँ पे जो है एनएलटी या सीयूटी कुछ ऐसा है तो नेशनल लेवल पे ये तो इंटीग्रेटेड है ना, उसके बाद इसलिए इसमें सीयूटी और नेशनल लेवल टेस्ट है। सिंपल बीए बीएड जो होता है, उसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पे भी है, तो ये सारे कुछ क्वालिफाइंग एग्जाम के बेस पे ये सारी कोर्सेज है। उसके बाद अब इसके इसमें आगे एलिजिबिलिटी दिखाया गया है कि एक कोर्सेज ये एमबीबीएस की है कि इनका कैसे एडमिशन होना है, पहले ही बता चुका हूं कि देखिए नर्सिंग में याद रखिए इस बात को कि नर्सिंग में तो नीट के थ्रू भी होना है, अगर सीट नहीं फिल होती है तो सीईटी के थ्रू भी लेना है। तो नर्सिंग उसी में आ जाती है जिसमें एमबीबीएस बीए एमएस बीएचएमएस आता है, नीट लेवल पे ये पूरे मेडिकल के ये कोर्स। एक्चुअली आप एक बात समझ लीजिए कि मेडिकल्स में नीट के थ्रू एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस बीएचएमएस और नर्सिंग कवर है बस, बाकी और जो मेडिकल की कोर्सेज है ना पैरामेडिक्स वगैरह कोई नीट के थ्रू नहीं लेता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसकी अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है सीईटी, या फिर इवन फार्मेसी भी, याद रहे कि फार्मेसी में भी नीट को कंसीडर नहीं करता आईपी यूनिवर्सिटी, वो सीईटी को कंसीडर करता है या फिर सीयूईटी को फार्मेसी में भी। और फार्मेसी में एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होंगे ना सीयूईटी में वो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस की होगी, ठीक है। वैसे मैथ वाले भी एलिजिबल है पर टेस्ट में बायो ही रखा गया है, आप देखते चले इनको अच्छी तरह आप देखिए इन्हें। अब ये देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर, देखो बीसीए के लिए भी सीयूईटी सीयूईटी सेट या सीयूईटी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस के लिए, योगा के लिए, एजुकेशन के लिए भी चाहिए यही। ये देखिए ये अलाइड है पूरा पैरामेडिकल्स, इनके लिए बीबीए के लिए भी चाहिए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इनके लिए सीईटी सीयूईटी चाहिए, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बच्चे। बीकॉम ऑनर्स के लिए भी यही चाहिए, बीएससी मेडिकल इमेजिंग, देखो फार्मेसी फार्मेसी के लिए सीईटी सीयूईटी, नीट के थ्रू नहीं है यहाँ पे, फार्मेसी के लिए भी सीईटी और सीयूईटी के लिए। स्पेशली हमारा फोकस मेडिकल कोर्स पे ज्यादा है आईपी से, हालांकि आप कॉमर्स के बारे में भी बता दिया मैंने, आर्ट्स के बारे में भी बता दिया, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स में देखिए सीईटी सीयूईटी ही है, ठीक है ना, और लेकिन पहले सीईटी बाद में सीयूईटी को कंसिडर करेगा, ये बात आप हमेशा याद रखें। तो उसके बाद ये सारी कोर्सेज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है किसके थ्रू होगा। तो बच्चे आप याद रखें कि इसमें बहुत सारी कोर्सेज है और बेहतर है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो नेशनल लेवल वाले एडमिशन के क्राइटेरिया वो तो है, बाकी आप सीईटी का फॉर्म भी भरें यहाँ से, और कई कोर्सेज है अच्छी अच्छी जो सीईटी के थ्रू ही होगा सिर्फ, उसमें न नीट को कंसिडर किया जाएगा न नेशनल लेवल कोई टेस्ट होगा वहां पे, जैसे मैंने आपको बता दिया है
जितने भी पैरामेडिकल की कोर्सेज है सब सीईटी के थ्रू होनी है, जितने भी जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो वो भी सीईटी के थ्रू ही होना है, जर्नलिज्म है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ये भी सीईटी के थ्रू ही होना है, तो ऐसे और भी कई कोर्सेज है जो सीईटी के थ्रू ही होना है। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें अगर इन कोर्सेज में और इस यूनिवर्सिटी से इंटरेस्टेड है। तो देखिए कोई एक यूनिवर्सिटी का तो रेगुलर जाना एक अलग बात होती है और एक अलग नॉलेज गेन होता है, नहीं कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, तो ठीक है अपनी जगह पे ओपन लर्निंग भी ठीक है, पर ये भी ठीक है और बहुत अच्छा है। आप कोर्स का सिलेक्शन करें और कोर्स का सिलेक्शन ध्यान रहे बहुत सोच समझ के करें, अपने से बड़ों से मशवरा ले लें उसके बाद एडमिशन लें, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सारे एक बार एडमिशन ले लिया तो फिर अब आप चलते रहेंगे, और आप याद रखें तो बहुत ख्याल करना है और ये फॉर्म भर दें। बाकी बेस्ट ऑफ लक सीईटी के लिए भी नेशनल टेस्ट के लिए भी। बाय।